अस्सलाम वालेकुम हुजूर, जी मैंने पूछना था कि अगर कोई बंदा थोड़ा सा बीमार हो या उसको कोई छोटी सी चोट लगी हो तो वो अगर खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, खड़े अगर खड़े जी होकर अगर वो पढ़ सकता है चोट के साथ भी, पर वो फिर भी बैठ के पढ़ता है तो उसकी नमाज कबूल होगी? नमाज कबूल करना तो अल्लाह ताला का काम है। लेकिन छोटी छोटी चोटों पे, तकलीफ़ों पे ना बिला वजह कुर्सियाँ पे नहीं बैठ जाना चाहिए। हैं, मुझे बहुत दफ़ा बड़ी सख्त घुटने में दर्द आती है, हैं, लेकिन मैं तो कोई बैठ के नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ाता पढ़ाता भी हूँ। खड़े होते हुए मुझे पता लग रहा होता है कि तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मैंने देखा है तुम लोगों को ज़रा सा फुटबॉल खेलते हुए अगर ठुड्डा लग जाए ना घुटने के करीब, हैं, तो 1 महीना तुम लोग कुर्सी पर बैठ जाते हो नमाज पढ़ने के लिए। ये गलत तरीका होता है। कोशिश करनी चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि नमाज बकायदा जिस तरह है खड़े होके रुकू में सजदे में उसी तरह जाओ। हैं, कुर्सी पे बैठ के तो वैसे ही नींद आ जाती है, नमाज पता ही नहीं लगता है कि नमाज पढ़ भी रहा इंसान के नहीं। ठीक है,